दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को कैसी एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जिसे अगर आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद आपके फ़ोन पर जो भी इनकमिंग कॉल आएगी उसे आपके अलावा कोई भी रिसीव नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपको पता ही कभी आप अपना फ़ोन कहीं पर रख देते हैं और आपका कोई इनकमिंग कॉल आता है तो आपके फ्रेंड्स वगैरह उठा लेते हैं या फिर आपके घर में आपके फैमिली मेम्बर भी उसको रिसीव कर लेते हैं, लेकिन कुछ कॉल आपके पर्सनल होते हैं और आप चाहते हैं कि कोई भी आपका फैमिली मेम्बर या आपका फ्रेंड उस कॉल को रिसीव ना कर पाए। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को इसी की प्रोसेस बताने वाला हूँ। इस स्टेप को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो उसके बाद आपके फ़ोन पर जो भी इनकमिंग कॉल आएगी उसको कोई भी रिसीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी जैसे उसको रिसीव करने के लिए ओपन करेगा तो वहां पर उससे वो पासवर्ड मांगेगा और जब तक वो पासवर्ड वहां पे एंटर नहीं किया जाएगा वो कॉल पिकअप नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से सबसे पहले उस एप्लीकेशन को आपको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। तो मैंने उसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ, तो चलिए मैं उसको डायरेक्ट आपको ओपन करके दिखा देता हूं और बता देता हूं कि किस तरह से आपको उसका सेटअप करना है। चलिए मैं उस एप्लीकेशन को यहां से ओपन कर लेता हूं। तो जैसे आप फर्स्ट बार इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ परमिशन यहाँ पे आपको देनी होगी और उसके बाद ही आप इसको पूरी तरह से सेटअप कर पाएंगे। तो सबसे पहली परमिशन यहाँ पे ऊपर मांगी जा रही है, डो ओवर अदर एप, तो इस पर आपको टैप करना होगा। जैसे आप इस पर टैप करेंगे यहाँ पे आपको ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे तो आपके सामने सेटिंग ओपन हो जाएगी और इसके बाद आपको इसको यहाँ से एनेबल कर देना। इसके बाद आपको फिर से अपनी एप्लीकेशन को बैक ले लेना। बैक लेने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकेंड नंबर पर आपको रीड फोन स्टेट का आपको यहाँ पे परमिशन देना होगा, तो इस पर आप टैप करेंगे और इस पर टैप करने के बाद आपको इसको भी यहाँ से अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों ऑप्शन यहाँ पे ग्रीन हो चुके हैं, यानी कि हमारी सेटअप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में सेकंड स्टेप आपको यहाँ पे मिलती है, इसमें आपको सेट लॉक टाइप का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ से आपको तो आपको पैटर्न सिलेक्ट करना है या फिर पिन सिलेक्ट करना है, तो सिंपली मैं यहाँ से पिन ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे मैंने पिन सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको सेट पिन का ऑप्शन मिलेगा थर्ड स्टेप पे, इसको आपको ओपन करना है और यहाँ से आपको एक पिन दे देना है। पिन आपको ऐसा देना है जो कि आपको अच्छे से याद रह सके। तो सिंपली मैं यहाँ पर 1 2 3 4 दे देता हूँ। आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे सकते हैं, इसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको फिर से उसी पिन को एंटर करना होगा सेकंड टाइम और इसके बाद आपको यहाँ से कंफर्म कर देना है। और आप देख सकते हैं हमारी सारी सेटिंग यहाँ पे एनेबल हो चुकी है। अब चौथे नंबर पे आपको एनेबल लॉक का ऑप्शन मिलता है, सिंपली आपको इसके सामने जो बॉक्स है इसको भी टिक मार्क कर देना है। बस दोस्तों आपका काम यहाँ पर हो चुका है। इसके बाद आप इसको यहाँ से ब्रेक ले लीजिए। अब इसके बाद में जो भी इनकमिंग कॉल आपके फोन पे आएगा तो उसको अगर कोई रिसीव करेगा, अगर आप खुद भी रिसीव करेंगे तो जैसे आप उसको रिसीव करेंगे तो आपसे ये पासवर्ड मांगेगा और इस एप्लीकेशन में जो आपने पासवर्ड एंटर किया है जब तक इस पासवर्ड को आप वहां पर एंटर नहीं करेंगे तब तक आप उस कॉल को पिकअप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से आप अपने फोन पे आने वाले सभी इनकमिंग कॉल को सिक्योर कर सकते हैं, यानी कि पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इससे होगा दोस्तों कि अगर आप अपने घर में कहीं पर भी अपने फोन को रख देते हैं और आपका कोई कॉल आता है और कोई अदर पर्सन उसको रिसीव करने की कोशिश करता है तो उसको कभी भी रिसीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने पासवर्ड सेट कर दिया। इस पासवर्ड को जब तक एंटर नहीं किया जाएगा तब तक उस कॉल को कोई भी रिसीव नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाजत दीजिए।